हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो आज के नौवें वीडियो सेशन में हम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए दो चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर होगा प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन और दूसरा चैप्टर होगा वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। तो आइए सबसे पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड, यानी कि आप अपने दोस्त से बात करेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए फॉर्मली, यानी कि औपचारिक तरीके से, ऑप्शन बी इनफॉर्मली यानी कि अनौपचारिक तरीके से, ऑप्शन सी क्वाइटली, ऑप्शन डी नन। देखिए, आप जब भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हमेशा कैजुअल वे में, नॉर्मल वे में बात करते हैं, और ऑप्शन ए में देखा जाए तो फॉर्मली ये होती है ऑफिस में यूज़, हमेशा फॉर्मल तरीके मतलब औपचारिक तरीके से आप हमेशा ऑफिस में बात करेंगे अपने बॉस या अपने कलीग से, और अपने दोस्तों से हमेशा इनफॉर्मली यानी कि कैजुअल वे भी बोलते हैं इसको, जैसे नॉर्मल हाय हेलो ऑफिस में आप करेंगे, गुड मॉर्निंग विश, गुड आफ्टरनून, और अपने दोस्तों से आप विश करेंगे हेलो हाय कैसा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बताया क्वाइटली यानी कि चुपचाप रहेंगे, ऑप्शन डी नन यानी कुछ नहीं करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, आप जब अपने दोस्त से मिलेंगे तो आप उनसे इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इनफॉर्मली आप अपने दोस्तों से हमेशा इनफॉर्मल वे में डील करेंगे, बात करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है, कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए वर्बल, ऑप्शन बी नॉन वर्बल, ऑप्शन सी रिटन, ऑप्शन डी ड्राइविंग। देखिए, हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि वर्बल भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, और रिटन भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, ड्राइविंग एक स्किल है जो आप गाड़ी चलाने के वक्त जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है टर्म ड्राइविंग, यानी कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार चलाने को ड्राइविंग बोलते हैं, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड एट, मैंने अभी ऊपर बताया था फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, पूछा भी ये गया है अब इस क्वेश्चन में कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पे यूज़ होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए फ्रेंड्स के बीच में, नहीं, ऑप्शन बी हाउस घर में, नहीं, आप उधर भी कैजुअली बात करते हैं फ्रेंड, जैसे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं कैजुअली वैसे घर पे भी आप बात करते हैं कैजुअली। ऑप्शन सी पार्टी, नहीं, पार्टी में भी आप फॉर्मली बात नहीं करेंगे, फॉर्मल यानी कि क्या है आपका, औपचारिक, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर आप अनौपचारिक तरीके से रहेंगे, बात करेंगे, बट जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे आप हमेशा फॉर्मल तौर तरीके में रहेंगे, बात करना है तो फॉर्मल, ड्रेस पहननी है तो फॉर्मल। सो फॉर और क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू डैश हिमसेल्फ फर्स्ट। ये बताया गया क्वेश्चन, पूछा गया, बताया गया क्वेश्चन में कि विनोद अपने नए मैनेजर से मिलता है वर्क प्लेस में, मतलब अपनी काम करने वाली जगह पे अपने नए बॉस से मिलता है, नए मैनेजर से मिलता है, जॉइनिंग होकर आया होगा तो उससे मिलता है, तो उसे सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए थैंक मतलब धन्यवाद करना चाहिए, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस अपना परिचय देना चाहिए, ऑप्शन सी अप्रिशिएट भाई बधाई देनी चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, ऑप्शन डी प्रेज वही प्रोत्साहन करना चाहिए। तो देखिए, आप जब भी अपने बॉस से कभी भी आप ज्वाइन करते हैं और आप अपने बॉस से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें इंट्रोडक्शन देंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि सर मेरा नाम मोहित है, रोहित है, जो भी है, और मैं यहाँ से पढ़ाई करके आया और मैंने आज ज्वाइनिंग करी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, उसके बाद बाकी सब पार्ट है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज एंड मेंटेन डैश। देखिए, इसमें बताया गया है कि जब भी हम लोगों से बातचीत संवाद
करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें अपनी ड्रेस प्रॉपरली पहन के रखनी चाहिए, अच्छे से ड्रेस पहन के रखनी चाहिए, ठीक है, और मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी लैंग्वेज को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ और क्या मेंटेन करेंगे, बॉडी लैंग्वेज हो गई, ड्रेस को भी अच्छे से मेंटेन करेंगे, और तीसरी चीज़ है अब जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का है ऑप्शन सी, आई कांटेक्ट। आप हमेशा ड्रेस अच्छे से पहन के रखेंगे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी मेंटेन रखेंगे, और आई कांटेक्ट मतलब आँखों में आँखें मिलाकर बात करेंगे, यानी कि वो आपसे बात कर रहा है आपकी आँखों में डाल के, और आप देख रहे हैं ज़मीन के नीचे, ऊपर छत के ऊपर, ये नहीं करना है आपको। सो आपको हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन रखनी है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया हैपेंस हैपन थ्रू, मतलब जो आपके आइडिया है, विचार हैं, वो आप लोगों से कैसे आदान प्रदान करोगे, किसके सहारे आदान प्रदान करोगे। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी लिसनिंग, ऑप्शन सी वॉचिंग, ऑप्शन डी सिंगिंग। तो आप जब भी अपने आइडियाज़ को आदान प्रदान करना है तो आप संवाद करके ही करेंगे। क्लियर है? कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने आइडियाज़ का एक्सचेंज करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये काम ना ही सुनने से होगा, ना ही देखने से होगा, ना ही गाने से होगा, ये होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सुनना भी हो गया, ठीक है, बोलना भी हो गया, मतलब आप बोलोगे वो आपके आइडिया सुनेगा, वो बोलो वो कुछ बोलेगा आप उनका आइडिया सुनोगे, एक्सचेंज कर रहे हो ना। तो कभी भी याद रखना कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपके आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द डैश, ये पूछा गया है कि वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन के तौर पे हमें क्या फॉलो करना चाहिए अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए आइडियाज़, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी सिक्सीज, ऑप्शन डी क्लोज। तो देखिए वर्क प्लेस पे हमेशा कम्युनिकेशन जब बातचीत करते हैं तो हमें सिक्स सीज फॉलो करने हैं। क्लियर है? सिक्स सीज आप फॉलो करेंगे जब भी आप वर्क प्लेस पे एक अच्छा कम्युनिकेशन सेटअप कर पाएंगे, अच्छे से लोगों से संवाद साध पाएंगे, अच्छे से लोगों से संवाद साध पाएंगे। तो सिक्स सीज भी बता देता हूँ क्या होता है। क्लियर यानी कि स्पष्ट होना चाहिए मैसेज, कॉन्साइज यानी कि पॉइंट टू पॉइंट मैसेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं करेक्ट यानी कि सही होना चाहिए आपका संवाद। और नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड बात होनी चाहिए, यानी कि आप इधर उधर की बात भी जोड़ दें उसमें नहीं, आपको एकदम मुद्दे मतलब जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड बात कम्युनिकेशन में करनी है यानी कि संवाद करना है। कॉन्क्रीट यानी कि ठोस होनी चाहिए बात, ये नहीं कि उसमें कुछ गैप हो। और डी केयरिंग मतलब सॉरी लास्ट स्टेप केयरिंग यानी कि आप सामने वाले का भी ख्याल रखें कम्युनिकेट करते वक्त। क्लियर है? आप वापस से नोट कर सकते हैं, पहला सिक्स सीज में से पहला सी है क्लियर यानी कि स्पष्ट, कॉन्साइज यानी कि पॉइंट टू पॉइंट मैसेज होना चाहिए कम्युनिकेशन में, तीसरा सी है करेक्ट यानी कि एकदम सही मैसेज होना चाहिए, और चौथा सी है कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल यानी कि जो आपका मुद्दा है उसी से रिलेटेड बात हो, और पांचवा सी है कॉन्क्रीट यानी कि ठोस बात हो, और छठा सी है केयरिंग यानी कि आप सामने वाले का भी ध्यान रखें कम्युनिकेशन, कहीं ऐसा ना हो आप कम्युनिकेशन सेटअप कर रहे हो बट सामने वाले को बुरे लग गए, तो आपको सामने वालों की भी केयरिंग रखनी है। तो फिर सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट मेनली थ्रू, मतलब ये पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके काम करने की जगह यानी आप कंपनी बोल सकते हैं, वो किस चीज़ के थ्रू मेनली कम्युनिकेट करते हैं यानी कि संवाद स्थापित करते हैं किस चीज़ के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए लेटर्स, ऑप्शन बी ईमेल्स, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट्स,
ऑप्शन डी अनफेमिलियर वर्ड्स। देखिए आजकल के ज़माने में, आजकल के ज़माने में सबसे मेन जरिया है ईमेल्स। पहले हुआ करता था लेटर्स, बट अब वो रिप्लेस हो चुका है। अब आप कभी भी ऑफिस जाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे ईमेल पे ही हर चीज़ आपकी, मतलब कम्युनिकेशन सेटअप होता है कंपनी में। कुछ भी आपको जवाब देना है या एप्लीकेशन देनी है, ईमेल के थ्रू ही देगी। पहले लेटर्स के थ्रू हुआ करता था, बट अब ईमेल रिप्लेस कर चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग जवाब भी रहेगा। आज के ज़माने के अकॉर्डिंग ईमेल्स मेनली, मतलब ईमेल एक ज़रिया है जिससे आप कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं कंपनी में। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 28, ईमेल इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर्स आर इन अ मीटिंग। सूर्या इज स्पीकिंग इन हिंदी। सिक्स मेंबर्स इन हिज टीम अंडरस्टैंड हिंदी। फोर मेंबर्स डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। वॉट शुड सूर्या नॉट डू। देखिए हिंदी में समझते हैं। सूर्या के टीम में 10 लोग होते हैं मीटिंग में, क्लियर है? 10 लोग मीटिंग कर रहे होते हैं सूर्या के साथ, ठीक है? तो जिसमें से, और उसमें सूर्या क्या है, सूर्या हिंदी भाषा में बात करता है, जिसमें से क्या है, 6 मेंबर तो हिंदी समझते हैं बट 4 मेंबर हिंदी नहीं समझते हैं। तो सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए, पूछा गया, सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? भाई हिंदी में बात कर रहा है अपने मीटिंग टीम मेंबर्स के साथ, मीटिंग कर रहा है, 10 लोगों की टीम है, हिंदी में बात कर रहा है, 6 को समझ आती है, 4 को नहीं आती है, तो सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए उस अगले स्टेप में? मीटिंग इज टीम, भाई मीटिंग ही नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी टॉकिंग, भाई बात ही नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी रिमूव 4 मेंबर्स, जिनको समझ नहीं आ रही हिंदी उनको हटा दे, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी स्पीक इन हिंदी। तो देखिए 10 लोग हैं, 6 को हिंदी समझ नहीं आ रही है, बट 6 को हिंदी समझ आ रही है बट 4 लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई मीटिंग ही नहीं करेगा या फिर बात ही नहीं करेगा या फिर उन 4 लोगों को ही निकाल देगा जिनको हिंदी नहीं आती। ये नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन जब भी आप सेटअप करते हैं, जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, तो आपको सबका ध्यान रखना है, ऐसी लैंग्वेज में बात करनी है जिससे कि सारे समझ सकें। अब इधर क्या है, 6 लोग तो हिंदी समझ रहे हैं, 4 लोग नहीं समझ रहे हैं, तो सूर्या को ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो ये 6 लोग भी समझ सकें और 4 लोग भी। तो उसे क्या है, नॉर्मल सी बात है, हिंदी में तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, 6 लोगों को तो समझ आ रही है, 4 लोगों ने समझ आ रही, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उसको ऐसी लैंग्वेज लानी है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ला सकता है, वो दोनों को समझ आ जाएगी, तो उसे हिंदी में बात ना करते हुए इंग्लिश में बात करनी चाहिए मीटिंग में, क्लियर है? तो उसे हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए एज पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन 30th पे चलते हैं। विशु हैज़ टू सेंड सम सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू हिज मैनेजर, हाउ शुड ही नॉट सेंड इट? ठीक है, ये बताया गया है कि भाई विशु है, उसके पास ऑफिस के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो उसे अपने बॉस के पास भेजने हैं। तो इसमें ये पूछा गया है, बताया, पूछ रहे हैं कि भाई वो किस प्रकार से सेंड ना करें, इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के थ्रू सेंड ना करें। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन डी डायरेक्टली मीट हिज मैनेजर एंड गिव। तो देखिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जब भी बात होती है तो उसमें ईमेल आता है कि आप ईमेल के थ्रू भेजिए स्पीड पोस्ट, अगर दूसरी लोकेशन में भेजा है तो आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, सिक्योर होता है, या फिर आपको इन दोनों चीज़ों पर विश्वास नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने बॉस के पास जाइए, कितना भी दूर हो उससे कोई मतलब नहीं है, खुद मिलके उसको डॉक्यूमेंट दीजिए। बट आपको ध्यान रखना है कभी भी आप व्हाट्सएप का यूज़ ना करें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल नहीं माना जाता है। ईमेल को फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल माना जाता है, स्पीड पोस्ट को भी, और डायरेक्टली अपने बॉस से मिलके उसको डॉक्यूमेंट सेंड ओवर करना वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल माना जाता है, बट व्हाट्सएप नहीं माना जाता है, इनफॉर्मल है। तो कभी भी आप कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स हों वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर ना करें कभी भी, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप उसको यूज़ नहीं करना चाहिए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट यानी कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट भेजने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट रेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।